हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9:30 बजे से। आज जो है करवा चौथ से पहले का दिन है, कल करवा चौथ है, तो कल तो हम सभी बहुत बिजी रहने वाले हैं और जो मेहंदी वगैरह लगनी है वो आज ही लगाएंगे हाथ में। तो अभी सुबह पापा को ड्यूटी भेज के, इनको ड्यूटी भेज के बस जस्ट मैं फ्री हुई थी और थोड़ा बहुत सफाई करके मैंने नवी को बुलाया है। नवी को एक्चुअली मेरे पति देव ही बुला गए थे कि जल्दी से आना और अपनी दीदी को बाज़ार लेके जाना, मैंने मेहंदी लगवानी है अपने हाथों में। पर मैं सोच रही हूँ कि खुद को लगवाने से पहले अपनी मम्मी को लगवा लूँ, जो मेरे कैनी वाले मम्मी हैं। सासू माँ को तो मैं रात को लगाऊंगी हाथों में, और पाँव में तो मैंने पिछली रात को ही लगवा दी थी। तो अब मैं जा रही हूँ कैनी और फटाफट निकल रही हूँ, क्योंकि मुझे मम्मी को मेहंदी लगवा के दोबारा जल्दी घर वापस आना है। फिर दिन को ये लंच करने आएंगे तो उनके लिए लंच रेडी करना है, उसके बाद शायद मैं बाज़ार के लिए निकलूँगी। तो सोचा पहले मैं ब्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ। तो नवी पहुँच गया है, नीचे मेरा वेट कर रहा है और बस अभी हम निकल रहे हैं और मिलती हूँ आपसे अब कैनी में। और मम्मी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं है। तो मैं अब पहुँच गई हूँ और मेरे मम्मी नीचे खेत में है, तो वहाँ से नवी ने बुलाया कि ऊपर आ चलते हैं। तो मम्मी को नहीं था पता कि नवी मेरे को लेने आया, तो मम्मी ने सोचा कि नवी चला गया बाजार, तो उनको बुलाया। अब आएंगे वो, दरवाज़ा लो क्या मैं खोलूँगी। मैं चली पी वाले चंबे। देखा मेरा सरप्राइज। सरप्राइज है जल्दी आओ। तो मम्मी की मेहंदी लग चुकी है जल्दी जल्दी में इस तरह की, और ये पाँव ठीक है। तो मम्मी को मेहंदी लगाने के बाद हम घर वापस आ गए थे और जल्दी जल्दी लंच बना खा के अब मैं और नवी दोबारा जा रहे थे घर से। और अब हम जा रहे थे बाज़ार के लिए, मुझे मेहंदी लगवानी थी इसीलिए नवी को मैंने रोक के रखा था आज। और हम बाज़ार पहुँचे तो वहाँ तो बुरी हालत थी, इतनी तेज़ धूप और इतना ज़्यादा रश, और मेहंदी वालों की तो जैसे लाइन लगी हुई थी। बहुत दूर दूर से लेडीज़ वेट कर रही थी, गर्ल्स वेट कर रही थी अपनी टर्न का, और मैं भी वेट कर रही थी, और बेचारा मेरा भाई भी मेरे साथ था। बड़ी मुश्किल से मेरी बारी आई और ये थे मेहंदी वाले भैया, जिन्होंने बहुत अच्छी मेहंदी लगवाई थी और सच में बहुत प्यारी थी, मैंने पाँव में भी लगवा ली थी। तो अभी मैं घर पहुँची थी थोड़ी देर पहले और अब तो 5 भी बज गए हैं और मेहंदी वगैरह, अब तो मेरी मेहंदी भी सूख गई और मैंने पाँव में भी लगवा ली थी, क्योंकि मुझे कोई भी काम नहीं रखना था। अब मेरा काम है सिर्फ मम्मी के हाथों में लगाना, पाँव में तो हो गई थी। तो अभी फ़िलहाल मैं थालियाँ से जाऊँगी, हैंड वॉश वगैरह तो अभी मैं नहीं करूँगी, थोड़ी देर तक ऐसे ही रखूँगी ताकि रंग चढ़ जाए, थोड़ी देर के लिए सूखी रहेगी तो ठीक रहेगा। पानी से गीला किया तो फिर डाउट रहता है कि रंग आएगा कि नहीं। और अभी मैं थालियाँ बनाऊँगी, फिर हम थालियाँ बांटेंगे आपस में जैसे सब लेडीज़ बांटती हैं। तो पहले मुझे वो काम करना है। मम्मी को भी मैंने नीचे से बुला लिया है और बाहर अपने बैठने का इंतज़ाम कर लिया है, आपको दिखाती हूँ। मैं ना कारपेट वगैरह पहले बिछा के गई थी दिन को जाने से पहले, और ये मैट्रेस अभी बिछाए हैं। और अब मैं बेडशीट निकालने लगूँगी तो हर जगह मेरी मेहंदी गिरेगी, इसलिए मैं बेडशीट वगैरह कुछ नहीं बिछा रही, ठीक है ये मैट्रेस ही ठीक है। सामान मैंने सब कुछ रख दिया है, जो कुछ भी है ये सब, बहुत कुछ है इसमें, देखने में कम लग रहा है पर जब जैसे जैसे मैं निकालूँगी बहुत कुछ हो जाएगा। और यहाँ बैठेंगे और ये देखो मेरी पाँव की मेहंदी, ये आगे आगे लगाई है भैया ने, तो अभी साइड साइड में मैं खुद कवर करूँगी रात को। और ये मेरी मेहंदी नाम नहीं लिखा, नाम भी मुझे खुद ही लिखना है। तो फिलहाल अब थालियों वाला काम कर लेते हैं, तब तक ये और पापा भी आ जाएंगे, फिर कुछ खाने वगैरह का देखूंगी। तब तक तो मेहंदी अच्छे से रच जाएगी, वैसे तो अभी भी रच गई, कलर तो आ गया है। तो फिर खाना वाना बनाती हूँ बाद में, पहले जो मेन काम है वो कर लेती हूँ। तो अभी हम दोनों ने कपड़े चेंज कर लिए हैं, मम्मी भी रेडी होकर आ गए नीचे से और मैंने भी सूट मैरून रंग का पहन लिया है। तो बहुत से लोगों ने पूछा था कि आपके सासू मोम कहाँ हैं, तो मेरे सासू मोम सुनते गए हुए थे जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, और अब ये वापस आ चुके हैं काफ़ी दिनों से, पर इनके साथ व्लॉग बनाने का मौका ही नहीं मिला।
और आज देखो बिल्कुल रेडी हो गई, टिप टॉप होके आ चुके हैं, काजल कुजल लगा के। और अभी मैं इनके हाथ पे मेहंदी लगा रही थी और पाँव में भी लगाई है, मैं वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को। कल लगा दी थी मैंने मम्मी के पाँव में मेहंदी और रंग काफ़ी अच्छा चढ़ गया है और अब लग रही है हाथ में। ऐसे दिखाओ, अब पूरी कंप्लीट करूँगी, फिर दूसरे हैंड में लगाऊंगी और उसके बाद हमें ये सारा काम भी करने को है। और 6 बज चुके हैं। ये मम्मी की थाली, ये माता रानी की थाली, सबसे पहले गौरा माता की, जिसमें फल, मिट्टी, फैनिया और मीठा कुछ भी, और नारियल और सुहाग की या नेल पेंट, जो भी सुहाग श्रृंगार का सामान होता है वो सब रखते हैं। सर तो भाभी भी आए हैं और ये थाली दे दी है भाभी को। हाँ, और बड़े खुश नजर आ रहे हैं। और ये यशु और अर्श भी आए हैं, पीछे पीछे अन्नु भी आया है और ये दोनों अपने अपने बिजी हैं। और ये ने अब मम्मी को सरगी की थाली दे रही है। अभी हम खाना वगैरह खा के फ्री हो गए और थालियाँ वगैरह भी, जो भी साथ श्रृंगार का सामान होता है, सब हमने बांट दी पूरे मोहल्ले में। और जिनको नहीं बांटी है, जो दूर दूर के हैं, जिनको हम देते हैं हर साल, उनकी हमने अलग से पैक करके रख दी। और मेहंदी का रंग भी आ गया है, पानी लगाना नहीं चाह रही थी पर फिर भी बर्तन धोने से तो लगाना ही पड़ा लास्ट में। और मैं दिखाती हूँ ये क्या कर रहे हैं। आफ्टर डिनर मैं और मम्मी लगा रही हूँ वहाँ पे मेहंदी, और सारा जो भी काम होता है मैंने सिर्फ बर्तन धोए, उसके बाद जो भी जितना भी काम था वो सब आज मिस्टर कश्यप कर रहे हैं। और तो बिना माथे पे शिकन आज के बाद मतलब नहीं करवाना ना, क्यों बोलने मतलब नहीं, मैं दिखा रही हूँ कि आप हमारी हेल्प कर रहे हैं बड़ी अच्छे से, देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। और बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया है ना भाई, इसमें वो वाली बात थोड़ी है कि हाँ सबको दिखा दिया तो नहीं करना। मम्मी दिखाओ दूसरा हाथ दिखाओ। ये वाली मेहंदी लग गई और खाना खाया इसलिए हाथ धो दिया मम्मी ने, अभी इस हाथ में मेहंदी लग रही है, जैसी मर्जी है ना। मम्मी का मेकअप भी उतर गया। तो कैसा लग रहा है आपको इस बार? बहुत अच्छा लग रहा है। यही था आज के दिन और अब कल व्रत है, तो आपसे मुलाकात होगी व्रत वाले ब्लॉग के साथ। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा ब्लॉग देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को ढेर सारा प्यार दें।